तमिल फिल्म ब्रदर्स को लेकर मार्शल आर्ट ही नहीं है, बेसिकली फैमिली ड्रामा है, दो भाइयों की कहानी है। हम दोनों के बीच में क्या तनाव, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कैसे हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। एक जैसे मैंने आपको कहा कि पूरा फैमिली ड्रामा है और इसके अंदर एक ऐसी चीज है जो मुझे जिंदगी में सबसे अच्छी लगती है, वो है मार्शल आर्ट। और उस चीज को मुझे आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप सबके सामने इसे लाने का मौका मिला है। इस फिल्म के अंदर जो कहानी है उसके अंदर हमारी टक्कर है और ना ही कोई फिल्म, हम तो चाहेंगे कि जिंदगी में सबकी फिल्में चलें, बहुत चलें, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जितना पैसा आएगा इंडस्ट्री और फ्लरिश होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ और अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी फिल्में बन सकती हैं। जैसे बॉलीवुड में इतनी बड़ी फिल्में बनती हैं, वो इसलिए बनती हैं क्योंकि उनका बिजनेस बड़ा है और हम तो चाहेंगे कि हमारे बिजनेस भी बढ़े और लोगों को अच्छी अच्छी फिल्में देने का मौका मिले। तो इसके अंदर बस यही यूएसपी है कि ये एक मार्शल आर्ट बेस्ड फिल्म है, ये एक फैमिली ड्रामा है और वो अब लोगों को, यंगस्टर्स को खास करके ये केटर करता है कि उनको कितना अच्छा लगता है वो उनको। अजी मुझे इस फिल्म में लगा सिद्धार्थ के साथ, क्योंकि सिद्धार्थ भी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान है जिसके अंदर जैसा भी मुझे फाइट करनी है। सो इस फिल्म के अंदर मुझे पूरा जोर लगाना पड़ा और सिद्धार्थ ने भी पूरा जोर लगाया। और डंके की चोट से कहता हूँ कि मैंने जिंदगी में बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन ये फिल्म मेरे लिए सबसे नंबर वन पे आती है क्योंकि इसमें सबसे बढ़िया एक्शन इस फिल्म के अंदर हम लोगों ने किया। रिश्ते में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वैसे तो कभी भी लड़ाई झगड़ा कोई चीज को रिजॉल्व नहीं करता है, तो लड़ाई झगड़ा ना करे। एक्शन के अंदर केबल से या कंप्यूटर से या फाइट से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, लेकिन मतलब उसमें काफी कुछ कंप्यूटर काम कर जाता है, लेकिन कॉमेडी जो होती है वो सामने टू सामने होती है कि मुझे आपको हंसाना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी आपको हंसाने के लिए। उसके अंदर कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता, ग्राफिक्स कुछ नहीं कर सकते। सो आई हैव टू एंड आई थिंक जो कॉमेडी है, बड़े से बड़े एक्टर को अगर आप पूछ लें कि सबसे डिफिकल्ट जॉनर कौन सा है, तो हमेशा कहेगा कॉमेडी। मुझे पहला मौका मिला है मार्शल आर्ट फिल्म में और मार्शल आर्ट मेरे जो टैलेंट है, जो हमारा टैलेंट है, हम ऑडियंस के सामने लाना चाहते हैं। एक ऐसा स्पोर्ट जो कभी हम, क्योंकि हमारे हमारे देश में सिर्फ क्रिकेट को ही स्पोर्ट्स माना जाता है, तो आई वॉन्ट टू ब्रिंग मार्शल आर्ट एज अ बिग स्पोर्ट। स्टोरी वाइज ये कह सकता हूँ कि इसको काफी कुछ इंडियनाइज किया गया है। इसके अंदर मतलब अगर वॉरियर की जो कहानी थी उसमें से समझ लीजिए 40% ली गई है, बाकी 60% वी हैव मेड इट अकॉर्डिंग टू द इंडियन वैल्यूज एंड इंडियन वेज एंड इंडियन वे ऑफ हाउ पीपल वुड लव इट, हाउ द यंगस्टर्स वुड। कहाँ कहाँ के आर्ट अडॉप्ट किए गए हैं अजी, मिक्स मार्शल आर्ट के अंदर होते हैं जिजित्सू होता है, जूडो होता है, अकीडो होता है, कराटे होता है, कैपोएरा होता है, कलारीपयट होता है, बॉक्सिंग होता है, रेसलिंग होता है, तो अगर अजीत कांत होता है, तो अगर कहने जाओ तो बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा चीजें।